नमस्कार स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा रही थी, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और हम स्टडी कर रहे थे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में सबसे पहले एक रिलेशनशिप देखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और लेटेंट हीट के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए, और उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशंस ऑफ डेल टी एफ। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम थर्मोडायनेमिकली डेरिवेट करेंगे। क्लियर, हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री और इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, जो कि आपकी यूनिट फिफ्थ है। और इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। पहले हम जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट स्टडी कर रहे थे और इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। देखो, आपको एक इक्वेशन डायरेक्ट याद रखनी है वांट हाफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू वांट हाफ थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप के एफ की जो वैल्यू होती है ये होती है आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ, जहां पे आर जो है गैस कॉन्स्टेंट है, टी एफ जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट, एल एफ जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और के एफ जो है वो है मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। अब इस इक्वेशंस का यूज करके हम किसी भी सॉल्वेंट की क्या निकाल सकते हैं, के एफ मोलर डिप्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली फॉर्म में। देखो, हम बात कर रहे हैं वॉटर एज ए सॉल्वेंट, काम में लिया हमने वॉटर एज ए सॉल्वेंट। क्लियर, अब वॉटर की आर गैस कॉन्स्टेंट हमें पता है टू, वॉटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी हमें पता है जीरो डिग्री होता है केल्विन में 273 केल्विन और लेटेंट हीट 80 किलो कैलोरी पर मोल यही होती है। इसकी वैल्यू मैं इस के एफ में जब पुट करती हूं तो मेरे पास के एफ की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू टी एफ की वैल्यू क्या है 273 इंटू 273 अपॉन ये क्या है 1000 इंटू एल एफ की वैल्यू क्या है 80। इन सब को आपस में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास के एफ की वैल्यू आ जाएगी 1.85। ये जो के एफ की वैल्यू है किसके लिए,
मोलर डिप्रेशन कॉफिशियंट किसका, वाटर का, कितना निकाला 1.86। ये किसके अप्रोक्सीमेट होता है, ये जो एक्सपेरिमेंटली मोलर कॉफिशियंट की वैल्यू, मोलर डिप्रेशन कॉफिशियंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो वैल्यू आती है हमारी, ये थ्योरेटिकली है और एक्सपेरिमेंटली के एफ कैलकुलेट करते हैं फॉर वाटर, ये वैल्यू मिलती है 1.86। मींस इसके अप्रोक्सीमेट हमें वैल्यू मिल जाती है। तो इस रिलेशनशिप का यूज करके हम किसी भी सॉल्वेंट की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, के एफ मोलर डिप्रेशन कॉफिशियंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके बुक में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में हमें बहुत सारे सॉल्वेंट दिए हुए हैं और उस सॉल्वेंट का टी एफ की वैल्यू दी हुई है और उनके रिलेशन उनसे रिलेटेड के एफ की वैल्यू भी दी हुई है। आपको सारी वैल्यूज लर्न नहीं करनी है, एक दो वैल्यूज आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको लर्न कर लेना, वरना वाटर का तो आपको याद होना ही चाहिए कि के एफ वाटर का जो होता है वो 1.85 थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था हमने और 1.86 इसका एक्सपेरिमेंटली मोलर डिप्रेशन कॉफिशियंट होता है। अब एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ते हैं हम, सोल्यूट का मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन करने का मेथड। तो अब हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का की वैल्यू कैलकुलेट की थी, डेल टी एफ से डिनोट करते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल टी एफ से डिनोट किया जाता है और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहां पे आपको पता होगा के एफ ये हमने बताया था मोलर डिप्रेशन कॉफिशियंट या कॉन्स्टेंट, स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सोल्यूट, स्मॉल एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट और डेल टी एफ हमें पता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं डब्ल्यू सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट की वैल्यू हमें पता, वेट की वैल्यू हमें पता होती है, स्मॉल डब्ल्यू एक नॉन अमाउंट के सॉल्यूट को नॉन अमाउंट के सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करते हैं, उसके बाद वो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लिया जाता है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लिया जाता है। दोनों का डिफरेंस, फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यही क्या कहलाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उस सॉल्वेंट का हमें के एफ की वैल्यू भी पता होती है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, इस एम की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। एम क्या हो गया 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ये हमें पता होता है कि कितना हमने सोल्यूट डिसोल्व किया, इंटू डेल टी एफ ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं,
इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितने में हमने डिजोल्व किया। क्लियर यहां तक? ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे। अब हम एक लंबा टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल टी एफ। थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल टी एफ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल टी एफ। देखो, इसके लिए हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के प्रेशर टेम्परेचर कर्व प्लॉट करते हैं और प्रेशर टेम्परेचर कर्व के अंदर प्रेशर और लिक्विड और वेपर्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है, इसमें वैसा ही रिलेशनशिप होती है जैसी क्लेशियस चापमान इक्वेशंस में होती है। मैंने क्या कहा कि यहां पे हम किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का टेम्परेचर प्रेशर कर्व प्लॉट करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर कर्व प्लॉट करेंगे। और इस कर्व के अंदर क्या कहा मैंने, लिक्विड और वेपर के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगा, ये इक्विलिब्रियम किसको फॉलो करेगा, क्लेशियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस के इक्वल ही होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लिक्विड और वेपर्स के बीच जो इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो रहा है, ये क्लेशियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस के इक्वल ही होगा। क्लियर यहां तक? अब हम यहां पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस दोनों के लिए। देखो, ये टेम्परेचर और ये प्रेशर, ये है सॉल्यूशन। यहां से यहां तक का जो कर्व है सब्लिमेशन कर्व है, मींस हमने सॉलिड लिया था, ये हमारा सब्लिमेशन कर्व है, मींस यहां पे किस किस के बीच में, सॉलिड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है, यहां पे लिक्विड कौन सा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिक्विड और वेपर्स सॉल्यूशंस की वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम है, यहां पे लिक्विड कौन सा सॉल्वेंट वो और उनकी वेपर्स के बीच इक्विलिब्रियम है। लिक्विड यहां पे आके इस पॉइंट पे आके फ्रीज होगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे, और सॉल्यूशन इस पॉइंट पे आके फ्रीज होना शुरू होगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे। क्लियर? ये टी एफ कहलाएगा और मैं इसको टी वन से रिप्रेजेंट करूंगी। ये वेपर प्रेशर P1 है और ये प्रेशर P2 है। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? अब मैंने ये कहा कि ये जो है ये लिक्विड वेपर जो इक्विलिब्रियम है
ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस को फॉलो करेगा। किसके इक्वल होगा? ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस के इक्वल होगा। तो अब हम सबसे पहले, मैं यहां पे रिलेशंस की बात कर रही हूं, ln P1 अपॉन P2, ln P1 अपॉन P2 ये इक्वल होगा LV अपॉन R, LV अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन TF, ln P1 अपॉन P2 इक्वल टू LV अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन TF। किससे निकाला था ये? ये इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया, क्लेशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से, जहां पे LV जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। TF फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का। T1 फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। R गैस कांस्टेंट है, P1 वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट की, और P2 ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन की। क्लियर यहां तक? अब इस रिलेशन से देखो, आप इसको थोड़ा सा मैं और सोल्व करती हूं। इस रिलेशन को सोल्व करो, ln P1 अपॉन P2 ये इक्वल टू हुआ LV अपॉन R। यहां पे T1 TF LCM ले लो, T1 TF LCM आ गया, ये क्या बना, TF माइनस T1 सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगी, LV अपॉन R डेल TF अपॉन T1 TF। इस इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं हम 1, मीन्स 1 एक इक्वेशन हमें पता चल गई, और ये इक्वेशंस हमने किससे निकाली है, किस किस के बीच में रिलेशन निकाला है, सॉल्वेंट के वेपर लिक्विड फॉर्म में और जब उसका सॉल्यूशन के वेपर बने थे। क्लियर? अब हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं प्योर सॉल्वेंट लेके, किस किस के बीच में, वही प्योर सॉल्वेंट लिया हमने, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म में P था और गैसेस फॉर्म में P1 है, गैसेस फॉर्म में सॉरी P2 था, यही था। अब हम इसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्यूशन वेपर प्रेशर, सॉरी रिलेशनशिप, इसमें क्या आएगा, प्योर में प्रेशर P है और जब वो वेपर की फेस में जाता है तो प्रेशर P2 था। क्लियर? यही रिलेशन रखो, ln P अपॉन P2 ये इक्वल टू होगा LV अपॉन R, किसके इक्वल होगा, LS सब्लिमेशन
एल एस अपॉन आर इंटू में वन अपॉन एल वन माइनस वन अपॉन एल एफ। ये वही रिलेशन निकल के आ गया, ये तो डेल टी एफ अपॉन टी वन टी एफ है। तो आपके पास दूसरी इक्वेशन बनी एल एन पी अपॉन पी टू, ये बना एल एस अपॉन आर डेल टी एफ अपॉन टी वन टी एफ। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन टू, इस वाली इक्वेशन में से इक्वेशन वन को माइनस करना है, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करना है। इक्वेशन टू लिखो सबसे पहले, टू क्या है एल एन पी अपॉन पी टू, एक साइड की लिख दी, फिर उसके साथ मैं माइनस लगाऊंगी एल एन पी वन अपॉन पी टू, ये इक्वल टू इक्वेशन नंबर टू पहले लिखूंगी एल वी अपॉन आर डेल टी एफ अपॉन टी वन टी एफ, लिख दिया, फिर माइनस साइन लगाया, फिर हमने लिखा, सॉरी पहले इक्वेशन टू लिखनी थी हमें एल एस, यहां पे केवल एल एस कर दो, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन एल वी अपॉन आर डेल टी एफ अपॉन टी वन टी एफ। मैंने यहां इक्वेशन टू में इक्वेशन वन को लेस कर दिया। अब देखो क्या आएगा, एल एन P माइनस एल एन पी टू। मैंने इस एल एन को लॉग की प्रॉपर्टी से खोल दिया, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग x अपॉन y को हम लिखते हैं लॉग x माइनस लॉग y, वही खोला है, माइनस साइन, इसको भी आप ओपन करो एल एन पी वन, फिर माइनस एल एन पी टू आता, बाहर माइनस और अंदर माइनस, या तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लो माइनस एल एन पी टू। मैंने इसको भी लॉग की प्रॉपर्टी से ओपन कर दिया, इक्वल टू ये मेरे पास आया, देखो एल एस ए डेल टी एफ अपॉन टी वन टी एफ अपॉन में आर, ये पूरा पोर्शन यहां से यहां तक का पोर्शन, दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन बाहर ले लिया डेल टी एफ अपॉन आर टी वन टी एफ, ये कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा एल एस माइनस एल वी, एल एस माइनस एल वी, क्लियर यहां तक। अब देखो एल एन पी माइनस एल एन पी टू, अब मैं इसको खोल रही हूं माइनस एल एन पी वन, ये माइनस और ये माइनस, प्लस एल एन पी टू, देखो इस साइड ये तो एज इट इज लिख दो, ये एज इट इज लिख दिया एल एस माइनस एल वी अपॉन आर इंटू डेल टी एफ अपॉन टी वन टी एफ, इस फॉर्म में लिख दिया इसको, थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, एल एन पी टू से एल एन पी टू कैंसिल आउट, ये माइनस का और वो प्लस का, मीन्स आपके पास रिलेशन आया एल एन पी माइनस एल एन पी वन, ये इक्वल टू आया एल एस माइनस एल वी अपॉन आर डेल टी एफ अपॉन टी वन टी एफ। अब देखो इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस काम में लेंगे, इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस काम में लेते हैं। ये बना आपके पास एल एन पी अपॉन पी वन, ये हो गया
लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन माइनस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एल एफ अपॉन आर डेल टी एफ अपॉन टी वन टी एफ। क्लियर? अब इस इक्वेशंस में मैं दो अजम्पशंस, इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए दो अजम्पशंस काम में लूंगी। पहला अजम्पशन हम ये कहते हैं कि सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट अजम्पशंस, द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट मोर, ज्यादा नहीं है, इसीलिए सो टी वन ये अप्रोक्सीमेट होगा टी एफ के। मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के कंडीशंस में जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो उसमें हम टी वन को टी एफ के इक्वल ही लेंगे। ये अजम्पशंस अज्यूम किया गया इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। पहला अजम्पशंस, क्लियर? इस अजम्पशंस को मैं यहां पे अप्लाई करूंगी तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, एल एन पी अपॉन पी वन, इसकी वैल्यू आ जाएगी एल एफ अपॉन आर डेल टी एफ अपॉन टी वन टी एफ, दोनों की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी टी एफ, तो नीचे आ जाएगा मेरा टी एफ स्क्वायर। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो आप 3। इस साइड की अजम्पशंस तो हमने सोल्व कर ली, अब हम इसको सोल्व करने के लिए अजम्पशंस मानेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम अजम्पशंस मानेंगे कि पहले तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी, देखो थोड़ा सा सोल्व करके लिखूंगी। सेकंड, एल एन पी अपॉन पी वन, इसको मैं ये लिख सकती हूं माइनस एल एन पी वन अपॉन पी, इसको रिवर्स कर दिया मैंने, ये लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू में मैं P प्लस कर दूं और P ही माइनस कर दूं, मीन्स ऊपर P प्लस और P माइनस किया तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल आएगा P1 अपॉन P, मीन्स इसको मैं लिख रही हूं माइनस एल एन P माइनस P, P प्लस किया और P माइनस किया, प्लस में P1 अपॉन P। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूं क्या, माइनस एल एन P के नीचे ये P, P अपॉन P माइनस ये क्या बना, P माइनस P1 अपॉन P। भाई ये माइनस, बाहर माइनस लिखा तो ये प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो गया, P माइनस P1 अपॉन P, ये किस में कन्वर्ट हो गया, वन में। मीन्स आपके पास ये फॉर्म आई माइनस एल एन वन माइनस P माइनस P1 अपॉन P, ये फॉर्म आ गई एल एन वन माइनस पी माइनस पी वन अपॉन पी। हमें पता है कि एल एन वन की वैल्यू जीरो होती है, एल एन वन की वैल्यू जीरो होती है, तो आपके पास इनडायरेक्ट फॉर्म में ये वैल्यू आ गई क्या, माइनस एल एन माइनस पी माइनस पी वन अपॉन पी, ये वैल्यू आ गई। और ये जो वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू होगी P माइनस P1 अपॉन P के इक्वल, मीन्स आपके पास एल एन पी अपॉन P1 की वैल्यू आ गई P माइनस P1 अपॉन P, किसकी, माइनस की वैल्यू, यही आई, ये माइनस एज इट इज काम में लेंगे हम। तो हमारे पास
एल एन पी अपॉन पी वन, इसको मैं वैल्यू को मैं लिख सकती हूं पी माइनस पी वन अपॉन पी। इस वैल्यू को मैं लिख सकती हूं पी माइनस पी वन अपॉन पी, ये वैल्यू मैं पुट कर सकती हूं। यहां तक आया तो एल एन पी अपॉन पी वन की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दू इस इक्वेशंस में, ये इक्वेशन नंबर फोर है। कहां से निकाली, देखो P, इस P को नीचे ले आए और P1 को ऊपर ले आए, मींस इसको इंटरचेंज कर दिया, ऊपर और नीचे, ऊपर P प्लस किया और P माइनस किया, फिर इक्वेशंस को सेपरेट कर लिया। लो ln1 की वैल्यू जीरो होती है, इसीलिए ये पूरी अप्रोक्सीमेट जो हमें वैल्यू मिलती है ये वैल्यू P माइनस P1 अपॉन P के इक्वल मिलती है, ये हम अज्यूम करते हैं। क्लियर यहां तक? अब ये वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगा, p माइनस पी वन अपॉन पी, ये इक्वल टू होगा एल एफ अपॉन आर डेल टी एफ अपॉन टी एफ स्क्वायर, ये वैल्यू आई। अब देखो p प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, p वन सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर है, P प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और P1 सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर है, और ये रिलेशन राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या बना, P माइनस P1 मींस सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर माइनस करेंगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया, और यदि मैं उसको डिवाइड कर देती हूं प्योर सॉल्वेंट से तो ये पूरा रिलेशन क्या बना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होती है वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होती है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, अकॉर्डिंग टू ये हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग P माइनस P1 अपॉन P इसकी वैल्यू होती है स्मॉल n अपॉन कैपिटल n, स्मॉल n अपॉन कैपिटल n, ये वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास LF अपॉन, ये मैं यहां LF अपॉन R डेल टी एफ अपॉन टी एफ स्क्वायर, ये इक्वल टू आ गया स्मॉल n अपॉन कैपिटल n। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये थे n को हमने नंबर ऑफ मोल्स n ये हम लिखते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम से, कैपिटल एन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मींस सॉल्वेंट के हो जाएंगे, कैपिटल एन को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सारी वैल्यूज उठा के मैं इस इक्वेशन में रख दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल एफ अपॉन आर डेल टी एफ अपॉन टी एफ स्क्वायर, ये वैल्यू आई मेरे पास, ये वैल्यू मैं पुट कर रही हूं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इनटू, अब ये इक्वेशंस को उल्टा कर दूं, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। हमें क्या निकालना है, डेल टी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डेल टी एफ के अलावा जितना पोर्शन है इसको उठा के उस साइड लेके जाओ, तो डेल टी एफ ये वैल्यू हमारे पास आ गई स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू इनटू ये आर टी एफ स्क्वायर, ये जो नीचे अपॉन में था वो ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया अपॉन, ऊपर मल्टीप्लाई में क्या है एल एफ, क्या हो गया एल एफ। क्लियर यहां तक? अब देखो यदि हम वन मोल k
क्या ले ले? सोल्यूट ले ले, सॉरी सोल्वेंट ले ले। उस केस में हमारे पास क्या रिलेशनशिप बनेगी? स्मॉल, इसको मैं स्मॉल एल एफ से डिनोट करूंगा। स्मॉल एल एफ जो होगा वो होगा कैपिटल एल एफ अपॉन कैपिटल एम, ये वाला कैपिटल एल एफ अपॉन कैपिटल एम की वैल्यू होगी, और इसको हम कहेंगे हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल। क्या कहलाएगी ये? हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल, और ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो डेल टी एफ, ये वैल्यू आ गई आर टी एफ स्क्वायर, पहले लिख दिया मैंने, इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्लू इंटू आई, ये एल एफ, स्मॉल एल एफ है। इस वैल्यू का यूज करके हम क्या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल टी एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था आपके थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल टी एफ।